नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एमपीपीएससी मैथ्स 2019 के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो अब तक हम आपके लिए तीन पेपरों की वीडियो ला चुके हैं। आज हम आपको चौथे पेपर की वीडियो ला रहे हैं, जिसका एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो चौथा पेपर होता है वो अपना इथिक्स का होता है और कितने 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? अपने 200 नंबर का होता है और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको कितने 15 क्वेश्चन मिलती हैं, जो 3-3 नंबर की होती हैं। चलिए पहला देखते हैं। 3-3 नंबर क्वेश्चन है, शासन में मूल्यों के महत्व को बताइए। दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास के स्वांता सुखाय की विशेषता समझाइए। तीसरा क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन, सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। क्या गांधी जी के विचार लिखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पारदर्शिता क्या है। छठवा क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है। सातवा क्वेश्चन, उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। आठवा क्वेश्चन है, आवाचिक संसार से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन है, पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणा समझाइए। दसवा क्वेश्चन है, नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी क्या है। सिविल सेवकों को किन 3 सामाजिक बुद्धियों के बारे में समझाइए। बारहवा क्वेश्चन, तेरहवा क्वेश्चन, जवाबदेही उपकरणों के लिखिए। चौदहवा क्वेश्चन, महात्मा बौद्ध के अनुसार पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत क्या है। पंद्रहवा क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। तो ये हमारे क्या 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब चलिए हम चलते हैं कितने 6 नंबर क्वेश्चनों पर। तो हाँ, 6 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने 18 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से अपन को 15 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और जो सभी 15 क्वेश्चन होते हैं वो 150 नंबर्स में लिखने होते हैं। 150 कितने लिखे शब्दों में लिखने होते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद के इसलिए जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विशाल बिलोवर अधिनियम 2012-15 के बारे में समझाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या था, जो अपना 6 नंबर का था। तीसरा क्वेश्चन, राजा राममोहन राय का योगदान लिखिए। चौथा क्वेश्चन, प्रशासन में नैतिक गुणों को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन, सिविल सेवकों के लिए कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और संवेदना क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। छठवा क्वेश्चन है, कानून का शासन स्वशासन प्राप्त करने के आवश्यक अंग समझाइए। सातवा क्वेश्चन था, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान लिखिए। आठवा क्वेश्चन था, उधार देना उधार लेना तथा निजी व्यापार के संबंध आचरण संहिता आचरण नियम को लिखिए। नवा क्वेश्चन था, भ्रष्टाचार की परिभाषा दीजिए। तो भ्रष्टाचार मूल्य प्रणाली के संबंध बताइए। भारत भ्रष्टाचार रोकने की संस्था कौन कौन समझाइए। दसवा क्वेश्चन था, कोटली के अनुसार एक राजक के क्या क्या कार्य होते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन, पूर्वाग्रह के निवारण की विधियां लिखिए। बारहवा क्वेश्चन, दर्शन के इतिहास में डॉक्टर राधाकृष्णन का योगदान लिखिए। तेरहवा क्वेश्चन, सांविवेक बुद्धि की धारणा को स्पष्ट कीजिए। चौदहवा क्वेश्चन था क्या था अपना, चौदहवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, रामचरितमानस के अनुसार शासक की आदर्श भूमिका क्या है। पंद्रहवा क्वेश्चन है, अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है। सोलहवा क्वेश्चन, अहिंसा का महत्व। सत्रहवा क्वेश्चन, संचार की प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व लिखिए। अठारहवा क्वेश्चन क्या होता है, क्या व्यवहार सैद्धिक व्यक्ति की अभिवृद्धि को प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों, ये क्या थे हमारे 6 नंबर के 18 क्वेश्चन थे। इनमें से आपको कितने 15 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी का जो जवाब 150 शब्द यानी लगभग 1.5 पेज में लिखना होती हैं। अब हम चलते हैं केस स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इथिक्स का पेपर उसमें केस स्टडी आती हैं। जो केस स्टडी होती हैं वो कितनी होती हैं, कुल 65 नंबर की आती हैं। जो पहला केस स्टडी होता है उसमें आप देख सकते हैं कि केस दिया जाता है। जो पहला केस स्टडी होता है उसमें 30 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। इसे जो पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ की मैसेज आपको क्या होती है उसके अनुसार आपको उसके जवाब देने होते हैं। तो 3 केस स्टडी प्रत्येक 10-10 नंबर की होती है। तो जैसा देखिए, जी जी क्या इंग्लिश में दी गई है।